नहीं, मुझे नहीं मालूम वो, मुझे नहीं मालूम उनका नाम चर्चे में है, पर लेकिन ऐसी चर्चा मुझे नहीं लगता उसको कोई अर्थ है। हमारा कहना स्ट्रेट फोकस्ड है कि शरद पवार जी ने इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अजीत पवार जिस तरीके से वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी ज़िंदगी को शरद पवार के साथ शुरू होती है और शरद पवार के साथ अंत होती है। हमको ये नामंजूर है कि शरद पवार जी इस्तीफा दे रहे हैं, उन्होंने वापस लेना चाहिए। आपके बारे में कोई सलाह मशवरा हुआ था पार्टी बैठे? बिल्कुल नहीं हुआ था, अगर सलाह मशवरा होता तो हम यहाँ बैठ के बात नहीं करते। और शरद पवार जी हमेशा कहते कि लोगों की जो जनभावना है हमेशा उसके साथ चलो, तो आज मैं उनसे बहुत विनम्रता से विनती कर रहा हूँ कि जनभावना को जागिए, जानिए महाराष्ट्र में लोगों का क्या कहना है वो जानिए, और वो जानते हुए आपने जो भूमिका लेनी चाहिए कि भाई लोगों की इच्छा है, लोगों के इच्छा जो होती है उसके खिलाफ कभी मत जाओ, ऐसा समझाया करते थे एक ज़माने में हमको, उनको अब जो वो समझाते थे उसी पे चलना होगा। नहीं उनको पीछा लेना पड़ेगा, पीछे लेना पड़ेगा। वो हमेशा कहते थे कि गणतंत्र में लोगों का सुनना चाहिए और लोगों का जो कल है उसके साथ नेताओं ने चलना चाहिए। नेताओं को भले ही उससे नाराज़गी हो लेकिन लोगों का जो झुकाव है उसी झुकाव की तरफ नेताओं ने चलना चाहिए। तो शरद पवार ये कैसा कर सकते हैं? उन्होंने हमको विश्वास में क्यों नहीं लिया? क्या हमारी ज़िंदगी उनके लिए कुछ नहीं है क्या? और ये लड़ाई में विदाउट शरद पवार हम कैसे लड़ें? देखो मैं अकेला हूँ, मैं लोग गिनती के राजनीति नहीं करता हूँ। मैं 35 साल से राजनीति करता हूँ, मैं ये नहीं गिनता हूँ कि मेरे पीछे कौन है। और मैंने जो जो भूमिका ली है आज तक वो लोगों ने ली है और बाद में पार्टी ने भी ली। शरद पवार जी हमेशा नए लोगों को मौका देती है, उसमें क्या पार्टी में बहुत पोजीशन है, सब नए लोगों को ले लो। हमने भी इस्तीफा दे दिया है, ले लो नए लोगों को, पर वो जाने नहीं चाहिए।